में 50 किलो पर घंटे की कैपेसिटी वाला मशीन, कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन, जो खली में आप देख पा रहे हैं, खली में कुछ भी ऑयल नहीं है, आप देखिए। बिल्कुल ओके, ऑयल जो निकलने वाला है, धार निकल रहा है वो आप देखिए, खली और ऑयल एकदम कोल्ड वाला ऑयल, और एकदम फिल्टर, लाइव फिल्टर विद फिल्टर के साथ अटैच। फर्स्ट टाइम इन इंडिया सर, क्या प्रोडक्शन होगा इसका एक दिन? ये 50 किलो पर घंटे की कैपेसिटी है सर। एक घंटे में 50 केजी? 50 केजी। बहुत अच्छा, देख सकते साथियों, एक घंटे में 50 केजी माल इससे निकाला जा सकता है। और सर का कहना है, एक तेल नहीं, जो भी आपके दिमाग में आ रहा होगा, मूंगफली का तेल, और सर किसका किसका तेल निकल जाएगा इससे? इसका आपको मूंगफली, पीनट, सीसम, फ्लैक्स सीड, जो ऑयली सीड, जो भी ऑयली सीड है, सभी का ऑयल निकल जाएगा। आपकी सोच मेरी खोज जारी है साथियों। आप जानते हैं मैं जब भी आता हूँ एक नए बिजनेस आइडिया की तलाश में आता हूँ, आज इसी तलाश में बनारस चल के सूरत आ चुका हूँ। आपको एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा रोजगार बता पाए, दिखा पाए, जिसे आप बहुत आसानी शुरू कर सकते। सर कहीं भी बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, अपने घर से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो आज जनक सर जी वन बाई वन करके देखेंगे, समझेंगे वो कौन सी मशीन है और कैसे काम कर सकती है। जनक सर नमस्कार। नमस्ते सर, सर आपका स्वागत है वी1 ग्लोबल इंपैक्ट सूरत गुजरात में। सर मैं आपका जब भी आता हूँ ना कुछ नया देख के जाता हूँ। आज मेरे साथियों क्या बताएंगे और क्या दिखाएंगे? सर आज जो आपके कस्टमर के लिए ट्विन वन वाला मशीन है वो हम दिखाने वाले है, लाइव डेमो दिखाने वाले है मस्टर्ड का, और आप अलग अलग जो तेल भी है उसका भी आप लाइव कर सकते हैं। कोई भी दो मटेरियल है, यहाँ अलग दो मटेरियल चला सकते हैं। सर मुझे सबसे पहले तो ये रोकना है आपको कि ये दो हॉपर क्यों लगाया गया है, ये बताइए पहले। सर दो हॉपर इसलिए है कि कोई कस्टमर को यहाँ पे निकालना है मस्टर्ड का, येलो मस्टर्ड का, हाँ। यहाँ पे ब्लैक मस्टर्ड का निकालना है, दोनों निकल जाएगा एक साथ में? नहीं, एक साथ निकल जाएगा या दोनों अलग अलग डालने पड़ेंगे? कस्टमर चाहे अलग निकालना चाहे तो एक चालू रखे, एक ऐसे ही रहने दे। दोनों एक साथ चल सकता है? दोनों एक साथ चला सकता है, और 50-50 किलो का कैपेसिटी है मस्टर्ड का, तो 100 केजी पर घंटे की कैपेसिटी हो गई सर। और 3 HP मोटर में सिंगल फेज में आपको मिलने वाला है। मशीन स्टेनलेस स्टील का है, 3 HP मोटर में है, सिंगल फेज में है, घर की बिजली से चलने वाला है, नट बोल्ट से लेके पूरा मशीन मेड इन इंडिया है, लिखा हुआ मिलेगा। बातों पे बिलीव मत कीजिए, देखने पे बिलीव कीजिए, जो दिखता है वो बिकता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये हमारा जो स्टील रहता है जिंदाल का स्टील रहता है, जो इंडियन कंपनी है, मोटर गोदरेज का है, इंडियन कंपनी है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। टेम्परेचर कंट्रोल हैवी यूज़ करने वाले, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जो मार्केट में 400 रुपये का होता है वो हम 4000 का यूज़ करते हैं, तो क्वालिटी वाइज बेस्ट रहने वाले। जहाँ पे छोटा पंखा यूज करते हैं हम बड़ा करते हैं, वहाँ पे 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट रहता है हम 600 का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो क्वालिटी वाइज हमारा बेस्ट रहने वाला है और स्टैंडर्ड रहने वाला है। आप मुझे सर एक बात और बताइए कि अक्सर क्या होता है कि मशीन देखिए जब भी कोई ले जाता है आपसे, कोई 1000 किलोमीटर ले जाता है, 500 किलोमीटर ले जाता है, 2000 किलोमीटर ले जाता है, तो उसको ये नहीं पता चलता कि मशीन को कैसे ऑपरेट करना है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर मशीन में आ जाता है, और हर 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद अक्सर आ जाता है, तो उसको कैसे शट आउट कराते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। सर देखो, कस्टमर को ज़्यादातर दिक्कत रहता है तो उसको वीडियो कॉल करके भी हम वहाँ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे देते हैं और ऑपरेट करवा देते हैं, वीडियो भी हमारा बना हुआ रहते हैं वो हम प्रोवाइड करवा देते हैं। थर्ड ऑप्शन, कस्टमर यहाँ आ जाए तो उसको अपने हैंड से ऑपरेटिंग करवा देते हैं। फोर्थ ऑप्शन, ज़्यादातर कस्टमर को बहुत दिक्कत होता है तो वो टिकट, रहने खाने पीने का खर्चा करके यहाँ से हमारा स्टाफ भी जाके सब ठीक करवा देता है। अच्छा, जब भी कोई ये मशीन ले लेता है तो उसको क्या सावधानी रखना चाहिए कि इस मशीन को ऐसे ऑपरेट करे, और इसमें क्या ना करे और क्या करे? देखो सर, ज़्यादातर कस्टमर क्या करते हैं, मशीन चला लेते हैं, मशीन चल जाता है, लेकिन मटेरियल अंदर जम जाता है, मटेरियल नहीं निकलता है, खली नहीं निकलता है, तो बीच में काला हो जाता है, जम जाता है। ओके, तो ज़्यादातर कस्टमर वो दिक्कत करते हैं, तो उसके लिए क्या करना रहता है, मटेरियल कंटिन्यू जाना चाहिए जब आप चला रहे हो, अटकना नहीं चाहिए। अटक गए तो होपर में हाथ घुमा दो या ब्रश घुमा दो, लेकिन मटेरियल कंटिन्यू निकलना चाहिए और ऑयल निकलना चाहिए। सेटिंग भाई और थोड़ा हुआ है तो खली को चूरा करके डाल दो, वापस चालू हो जाएगा, बस सिर्फ इतना काम है। और चक्कर को डेढ़ चक्कर लूज रखना है क्योंकि स्क्रू ना घिसे। ज़्यादातर कस्टमर क्या करते हैं, पूरा टाइट करते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि सर ये हो गया, लेकिन कस्टमर आगे से केयरिंग करते हैं ना तो बढ़िया सा मशीन चलता है, कोई दिक्कत नहीं होता। एक बात और, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि इससे प्रोडक्शन कम होता है,
क्यों प्रोडक्शन कम होता है, इसका क्या कारण? देखो सर, आप मशीन को अपने हिसाब से चलाओगे तो नहीं चलेगा, मशीन को उसकी डाल में चलाना पड़ता है। 50 किलो कैपेसिटी है तो 50 किलो निकल जाता है, लेकिन उसके हिसाब से चलाओगे तो बेस्ट रिजल्ट मिलने वाला है। जब तक कस्टमर ऐसा, देखो मूंगफली है, कोकोनट है, वो मॉइस्चराइज ज़्यादा रहता है, तो उसको थोड़ा थोड़ा डालना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो जो पूरा ऊपर भर दोगे तो अटक जाएगा स्क्रू में, अच्छा। निकलेगा नहीं। वर्ल्ड का कोई भी मशीन रहता है तो उसको वैसे मैनेज किया जाता है, अलग अलग मशीन मटेरियल को अलग अलग तरीके से मेंटेन किया जाता है। मेंटेन किया जाता है। क्या होता है कि जैसे लोग सरसों डालते होंगे, येलो मस्टर्ड डालते होंगे, उसी तरह मूंगफली का भी डाल देते होंगे, वो ऐसा सिस्टम नहीं रहता, उसको सफाई करना रहता है, स्क्रू में साफ करके वापस दूसरा मटेरियल डाला जाता है। ठीक है साथियों, बहुत ही बारीकी से सर का सवाल, मैं आपका सवाल ले रहा हूँ सर के लिए, कि आपको जो भी जो प्रॉब्लम आती है ना, वो सब कुछ सर से आज पूछने वाले हो। और ज्यादातर कस्टमर का एक प्रॉब्लम रहता है कि सर हमारा पावर चला गया तो अब हम क्या करें। तो उसके लिए ऐसा रहता है कि पावर चला गया, हीटिंग कर लो, टेम्परेचर आ जाएगा, हीटिंग कर लो, उसके बाद उसको रिवर्स घुमाओ, क्लीनिंग करो, क्लीनिंग करोगे तो रिवर्स घूमेगा, उल्टा घूमेगा, तो मटेरियल अंदर जो फंसा हुआ रहेगा ना, वहां से स्क्रू छूटेगा। अच्छा, नहीं छूट रहा है, नहीं घूम रहा है, तो वापस स्विचिंग करो, कंटिन्यू करो, स्विचिंग बोले तो मशीन आगे की तरफ चलेगा। अच्छा। थोड़ा 5 सेकंड वो किया, उसके बाद ऑफ करके वापस क्लीनिंग किया तो स्क्रू है ना छूट जाता है, वो छूट जाने के बाद चक्कर को लूज कर दीजिए जो पीछे रहता है, बस और कुछ नहीं रहता है। एक बात और सर, मान लीजिए कोई गांव में लगाता है, घर के अंदर लगाता है, क्या इसके लिए कोई लाइसेंस की जरूरत पड़ता है? देखो सर, गवर्नमेंट MSME जो लघु उद्योग है उसके लिए बहुत सारा अभी गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट रहता है और हेल्पिंग रहता है, तो आप उसका फायदा उठाइए। गवर्नमेंट आपको बोल रहे हैं आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं, पहले की तरह नहीं है। 10 साल पहले आपको कुछ करना था तो बहुत दिक्कत हो रहा था, अभी क्या रहता है कि गवर्नमेंट आपको हेल्पिंग करती है, फंडिंग की भी हेल्पिंग करती है। हाँ, लोन भी दे रही है। हाँ, राज्य सरकार और केंद्र सरकार 35% से लेकर 50% तक सब्सिडी प्रोवाइड करती है, तो उसका लाभ लीजिए, मशीन लीजिए, कोटेशन लीजिए हमारे से, कोटेशन से आपको गवर्नमेंट आपकी बैंक में जाइए, वहाँ बोलिए कि भाई मुझे मशीन परचेज करना है, गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारी सब्सिडी चल रही है वो मुझे करना है, तो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिएगा, तो बैंक वाला ही आपको बोलेगा कि ये डॉक्यूमेंट आप लीजिए और ये चालू कीजिए, हमारा कोटेशन की रिक्वायरमेंट रहेगा वो हम यहाँ से आपको मेरी फैक्ट्री से मिल जाएगा। अच्छा, अब मुझे सर बताइए कि कोई ऑर्डर करता है और आपके यहाँ मशीन बनता है, ठीक है, तो कितना दिन बाद आप उसको ऑर्डर को कंप्लीट करते हैं? देखो सर, कस्टमर को जब ऑर्डर करते हैं, बल्क ऑर्डर रहता है तो 7 दिन का हमारा टाइम रहता है, 2-3 मशीन का ऑर्डर रहता है तो ऑन द स्पॉट 1-2 दिन में निकल जाता है, बाकी संजोग अनुसार हमारा जो बल्क ऑर्डर का रहता है, जैसे कि अलग अलग वेरायटी 20 वेरायटी रहती है, तो अलग अलग मटेरियल का जब चढ़ा हुआ रहता है वो खत्म होने के बाद निकलता है, तो 7 दिन या 10 दिन के बाद आपको प्रोडक्ट आपके वहाँ मिल जाएगा। बल्क ऑर्डर रहता है 100-200 ऑर्डर रहता है तो 15 दिन का हमारा टाइम पीरियड रहता है, बाकी आपको ऑन द स्पॉट मशीन अवेलेबल रहती है, पैकिंग हैवी रहती है, स्टैंडर्ड क्वालिटी रहती है और लोहे की पट्टी से पैकिंग होता है और अंदर भी लोहे की पट्टी से पैकिंग होके निकलता है हमारे। और हमें लगता है सर कहीं लोहे का सामान है तो टूटने फूटने का भी कोई डर नहीं होता होगा ट्रांसपोर्ट? पैकिंग हमारा अंदर से भी स्ट्रॉन्ग रहता है, थर्मोकोल का भी पैकिंग रहता है, तो स्टैंडर्ड होने वाला है, ज़्यादातर दिक्कत नहीं होने वाला है। बाकी देखो ट्रांसपोर्ट का तो क्या रहता है कि फटकाता भी है, बिल्कुल, लेकिन उसी लिए हमने क्वालिटी हाई रखा है पैकिंग का। तो मैं सर चाहूंगा कि एक बार मुझे मशीन चला के दिखा दीजिए। चलो सर, मैं आपको लाइव डेमो दिखाता हूँ, आप देखिए वीडियो, देखिए कस्टमर लाइव देखे तब उसको पता चले। देखा आपका वीडियो, लाइव तो चल रहा है वीडियो, और आपका ये भी सबसे खास बात है कि दोनों मशीन एक साथ काम कर रहा है, इसमें साउंड नहीं है, तो साउंड नहीं है तो इसका कोई अलग से कोई मटेरियल डाल रखे हैं, इसके अंदर पार्ट लगा रखे हैं, या जानबूझ के साउंड नहीं है?
सर ऐसा कोई रहता नहीं है कि आप मशीन चला रहे हो और आवाज नहीं रहता, उसके लिए हमारा मोनोपोली रहता है, स्टैंडर्ड क्वालिटी रहता है, दूसरा करने जाएगा तो उससे होने वाला नहीं है। बाकी तो दुनिया में चाहे तो कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन उतना हार्डनेस मेहनत करना किसी के बस की बात नहीं है। ओके, टेक्नोलॉजी के मामले में हम सबसे आगे है, ऐसा हम बोल नहीं रहे, देखिए आने के बाद लाइव देखेंगे तब आपको पता चलेगा। इसका कोई R&D टीम भी रखे हुए हैं सर? सर हमारा इसका है ना, ज़्यादातर खर्चा हमारा होता है उसके पीछे कि लाखों में इन्वेस्टमेंट होता है कि इसके बेस्ट कैसे करें, इसका प्रेजेंटेशन कितना अच्छा हो। ओके, मोटर वोटर किस कंपनी का लगा देते हैं सर? हम गोदरेज कंपनी का रहता है, उसके भी साथ हमें डील होती रहेगी। हमारा जो मशीन आएगा उसमें हैवी वायरिंग होना चाहिए, हमारा क्वालिटी रहता है उसके हिसाब से हम करवाते हैं। पैसा ज़्यादा देते हैं लेकिन क्वालिटी हाई रहता है। तो मैं सर चाहूँगा कि एक बार अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी दिखा दें। चलो सर हम आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट दिखाते हैं, देखिए और उसके बाद बिलीव कीजिए। ये देखिए सर, यहाँ पे जो है हमारा अलग अलग मशीन का वो सब चल रहा है, मशीन बन रहा है। अभी 2-in-1 वाला का चल रहा है जो आपने देखा। ओके, अलग अलग मटेरियल है, अलग अलग यहाँ पे माल सामान फिल्टर का है, बॉडी पड़ी हुई है, क्वांटिटी में रहता है, गोदरेज की मोटर रहती है, ये स्क्रू बैरल रहता है। देख रहे साथियों ये मशीन देख पा रहे हो सर, ये सब मशीन बन रहा है, अभी अंडर प्रोसेस है। यस सर, ये सब बॉडी आ गया, अभी अंडर प्रोसेस है सर। और देख सकते हैं साथियों, सबसे खास बात है आप ये पार्ट देख रहे होंगे, ये सब कुछ एक कंपनी के अंदर ही बनाया जाता है, तो आपको बाहर जाने की कहीं जरूरत नहीं है। एक छत के नीचे आपको मशीन हो, मटेरियल हो, और सर का दावा है कि ट्रेनिंग भी आपको दिया जाएगा। तो सर मान लीजिए इस बिजनेस को कोई शुरू करता है, क्या प्रॉफिट मार्जिन होगा? देखो सर, प्रॉफिट मार्जिन देखा जाए तो डेली का 5,000 से लेकर 20,000 तक अर्निंग कर सकता है बंदा, और मंथली आप देखा जाए तो 1.5 लाख से लेकर 1 लाख से लेकर आप 3 लाख तक मंथली कमा सकते हैं। सर एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, मेरे साथियों को कौन सी मशीन लेने के लिए सजेस्ट करेंगे कि इस मशीन में ये बिजनेस करें तो अच्छा रहेगा? देखो सर, कस्टमर का बजट के हिसाब से वो इन्वेस्ट किया जाता है। हमारे पास बजट के हिसाब से कॉमर्शियल मशीन अवेलेबल रहती है, 1200 वोल्ट, 1500 वोल्ट, 2000 वोल्ट, 2500 वोल्ट है, जिसकी प्राइस रहती है 50,000 से लेके 2.5 लाख तक है। ओके, ये मान लो 50,000 से लेके 2.5 लाख रुपए तक, जो कस्टमर का जितना बजट वैसा मशीन अवेलेबल रहेगा, और सभी मशीन से आप पैसे आसानी से कमाए जा सकते। यस सर, डेफिनेटली। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद एक अपना कीमती समय देने के लिए। साथियों स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा, आपको सिर्फ कॉन्टेक्ट करना है, बात करना है और अपना बिजनेस शुरू करना है। साथियों मेहनत इतनी खामोशी से करो ना, कामयाबी शोर मचा दे। और अगर कोई सवाल छूट गया है तो आप जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं, और सर का कहना है कि आप कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी छूट गया हो, कोई प्रोडक्शन को लेके, कोई क्वांटिटी को लेके, कोई रेट को लेके, कोई HP के लेके, कोई बोल्ट के लेके, तो आप सर से बात कर सकते हैं और संपर्क कर सकते हैं। यस सर, जय हिंद।